जी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखी फ्लेम्स। एंड हर थर्सडे की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। सो आज क्रिस्टल्स में पाइल नंबर 1 में मैंने एक ग्रीन अवेंटराइन की पिरामिड रखे हुए हैं, पाइल 2 के ऊपर मैंने एक एमिथिस्ट के जनरेटर रखे हुए हैं, एंड पाइल 3 के ऊपर एक सेलेनाइट के एंजल रखे हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो, काम योर माइंड डाउन, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड फील द रेजोनेंस, कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप लोग ड्रॉन फील कर रहे हैं, एंड देन प्लीज पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। कार्ड 1 फ्रॉम पाइल नंबर 1, फ्री विल। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट, दिस इज योर कार्ड। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं एंड ये इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, आपके लिए मैसेज ये है कि जब कभी भी आप सजदा करते हैं, आप जब कभी भी बाबा के सामने दुआ करते हैं, हाथ जोड़ते हैं या सर झुकाते हैं, या फिर किसी भी डेटी के सामने, भगवान के सामने जब आप लोग हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर कि आप लोग आपकी जो डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट है वो ना दें। हाँ, ज़रूर आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी तमन्नाएँ हैं, वो ज़रूर उसकी जिक्र आप लोग कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक लिमिटेशन सेट कर दे या फिर एक अल्टीमेटम दे दे कि मुझको एग्जैक्टली यही चीज़ें चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑफ कोर्स मेंशन अबाउट योर डिज़ायर्स, जो भी आपके तमन्नाएं हैं उनके बारे में आप लोग जिक्र ज़रूर कर सकते हैं, एंड आफ्टर डूइंग दैट व्हाट यू कैन डू इज़ आप लोग ये दुआ कीजिए कि जो भी मेरे लिए अच्छा है, ये सारी चीज़ें मेरी ख्वाहिशें हैं, बट इसके आगे आप मालिक हो, जो भी हमारे लिए अच्छा है, विच वट एवर इज़ मेंट फॉर आवर हाइस्ट गुड, वही चीज़ हम लोगों को आप गिफ्ट कीजिएगा, उसी चीज़ से हम लोगों को आप या फिर मुझको आप ब्लेस कीजिएगा। सेकेंड कार्ड इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, दिस इज़ योर कार्ड। सो इफ टू रिलेट विद द फर्स्ट कार्ड, what you can do is rather than giving your desired script to your deity, what you can do is you can follow law of attraction. तो बाबा को या फिर जिस डेटी को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनको आपकी स्क्रिप्टेड विल देने की जगह आप लोग जो कर सकते हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग अभी तो बच्चे को भी पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसीजर क्या होती है, जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं, जिस भी थॉट को हम लोग ज़्यादा फीड करते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस थॉट को मैनिफेस्ट करते हैं एज रिज़ल्ट। तो पॉजिटिव सोचिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, भले वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर से रिलेटेड हो, फिनेंस से रिलेटेड हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, जो भी है, उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल ले लीजिए, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस को अपना लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। थर्ड कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाइल, कर्मा। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट, दिस इज़ योर कार्ड। ओके, सो इफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ पीपल, जिन लोग को लगता है कि एक डर सा बैठ जाता है ना कि कर्मा इज़ अ बेच, कर्मा दिस, कर्मा दैट, जो कॉलिकल टर्म्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो कर्मा को एक विद इन द कॉमास रखने से अच्छा होगा अगर आप इस चीज़ को अपना लेके, कर्मा कुछ भी एक एलियन वर्ड नहीं है, एक मतलब पनिशमेंट की एक ज़रिया नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट। आप जैसा काम करोगे दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट, वैसा ही आप भरोगे। तो कर्मा कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि चलो इसने इसके ऊपर दो कर्मा गिरा दिया तो अभी कुछ तो एक ब्लास्ट हो जाएगी उधर, ऐसा तो कुछ है नहीं। कर्मा इज़ जस्ट आपके कर्म, द कॉज एंड इफेक्ट इज़ जो भी आप कर्म करोगे उसके हिसाब से जो आप भोगते हो, दैट इज़ द इफेक्ट। सो कुछ इसको जिस तरीके से हम लोग बोलते रहते हैं, कर्मा वोंट स्पेयर यू, कर्मा वोंट डू दैट, एंड बिफोर सेइंग ऑल दीज थिंग्स मेक श्योर कि आप जब उंगली एक किसी और के ऊपर उठा रहे हैं तो तीन उंगली आपके तरफ भी होता है। सो रादर दैन फाइंडिंग आउट फॉल्स इन अदर्स, आप लोग थोड़ा सा खुद के कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपके कॉज एंड इफेक्ट दोनों अच्छे रहे। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड। सेकेंड पाइल फर्स्ट कार्ड, लर्निंग। लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर, दिस इज योर कार्ड। ओके, सो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है एंड
इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं आपके लिए मैसेज ये है, रादर देन कंप्लेनिंग एंड नैगिंग अबाउट द सिचुएशंस दैट यू आर इन और नैगिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर डूइंग यू अ कंसर्न, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग एज अ लर्निंग. वजह कंप्लेन करने की या फिर नैग करने की कि जो भी परिस्थिति में अभी आप है उसके बारे में कंप्लेन करने से अच्छा होगा कि आप जो भी परिस्थिति में अभी आप है उसको एक सीख की तरह अगर आप अपना सके तो, क्योंकि हर एक सिचुएशन हर एक परिस्थिति जो हमारी ज़िंदगी में आती है वो हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं. जैसे कि हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने गैदर किए हैं, एकेडमिकली नॉन एकेडमिकली इमोशनली बहुत सारे चीज़ों में हम लोगों ने सीखे हैं बहुत कुछ उन सब में. हम लोग बड़े हुए हैं स्कूल में ही तो हमेशा तो हर एक्सपीरियंस हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन आगे की जिंदगी में वो हम लोगों को काम ज़रूर आई क्योंकि उस टाइम पे हम लोग वो सीख के निकले हैं. तो एग्जैक्टली द सेम थिंग गोज़ विथ लाइफ, अप्लाइज फॉर लाइफ. जो भी आप कोई भी एक अगर अच्छी परिस्थिति है उससे भी कुछ सीख के निकले, कुछ कठिन परिस्थिति है तो उसमें भी आप कुछ सीख के निकले. सेकेंड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, ड्रीम्स. आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. ओके, सो इसको इलैबोरेट करने की तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा मैसेज है एंड बहुत प्यारा सा मैसेज है कि बाबा आपके साथ ड्रीम्स में कम्युनिकेट करेंगे. सो बी रिसेप्टिव एंड बी ओपन. मुझको प्लीज़ इनबॉक्स मत करते बैठिएगा इंस्टाग्राम पे कि मैम या दीदी आपने कहा था कि बाबा कम्युनिकेट करेंगे, बाबा ने तो कम्युनिकेट नहीं किया. तो ये मैंने नहीं कहा है, ये आपने ड्रॉ किया है. और अगर आपने ड्रॉ किया है तो ये प्लीज़ भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि कभी ना कभी बाबा आपके साथ ज़रूर ड्रीम्स में कम्युनिकेट करेंगे. नॉट नेसेसरी कि आज आपने ये कार्ड ड्रॉ किया है तो आज ही रात को आपको सपना आ जाएगा कि आज दिन में आपको सपना आ जाएगा. एंड एज मैंने शेयर किया था आई थिंक नो इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस, हाँ लास्ट टू लास्ट वीडियो नहीं, काफ़ी पुराना है वो वीडियो अभी तो, लाइक ऑलमोस्ट लास्ट मंथ शायद मैंने एक कार्ड रीडिंग के वीडियो में मैंने शेयर किया था. मेरी एक क्लाइंट है जो कि मेरी चैनल की व्यूअर भी है, उन्होंने ये कार्ड ड्रॉ किया था एंड उनकी जो डॉटर है उनको सपना आया था वेयर बाबा गेव हर अ मैसेज रिलेटेड टू हर फिनेंशियल स्टेट और समथिंग. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ड्रीम्स में कम्युनिकेट करेंगे मतलब सिर्फ आपको ही आ सकता है, आपके जो नियर डियर वंस है, लव्ड वंस है, उनको भी आ सकती है. थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, द पावर ऑफ उदी. माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स. दिस इज योर कार्ड. ओके, सो ये भी बहुत सिंपल सा कार्ड है, कुछ अलग से इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऑलरेडी बाबा की डिवोटी है तो यू आर वेल अवेयर ऑफ द टर्म उदी एंड वॉट उदी इज़. जो बाबा की धुनी है शिरडी में वहाँ से जो राख निकलती है उसको ही हम लोग उदी कहते हैं. एंड उदी को लेने की एक नियम है, एक विधि है कि आप उसको उदी को कभी भी सूखी सूखी नहीं ली जाती. जब भी आप उदी ले, उदी को हमेशा आप पानी में घोल कर ही ले. एंड ऑल योर इमोशनल फिजिकल एंड मेंटल वट एवर द इशूज़ यू आर हैविंग नाउ विल बी हील्ड. सो वी आर डन विद द सेकेंड पाइल ऑफ कार्ड एज वेल. फर्स्ट कार्ड फ्रॉम पाइल थ्री, इग्नोर. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. This is your card. So whoever have selected this pile, मतलब जिन्होंने भी pile 3 select किए हैं and इस card को draw किए हैं, आपके लिए message ये है कि जो भी आपके hurts and pains है, मतलब तकलीफ या दुख जो भी है आपकी, उन चीज़ों को please ignore करना start कीजिए. क्योंकि back again to law of attraction, हम लोग उसी चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जिस थॉट को हम लोग ज़्यादा फीड करते हैं, जिस थॉट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस एनर्जी के ऊपर, जिस इमोशन के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं उसी चीज़ को हम लोग फाइनली मैनिफेस्ट करते हैं. सो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तो सुख और दुख लेकर के पैरेलली दो चीज़ चलती है हमारी ज़िंदगी में. सो बेटर अगर 9 out of 10 इज़ समथिंग यू नो विच कीप्स यू लो, अगर 10 में से 9 चीज़ ऐसी है जो आपको लो फेज़ में रख रही है या फिर आपको शिकायत करने पे मजबूर कर रही है, आपको दुखी रख रहे, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें. जो एक चीज़ अच्छी है आपकी ज़िंदगी में उसके ऊपर आप फोकस करें और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करें. सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल थ्री, चेंज. इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल. This is your card.
ओके सो इफ टू गो बाय द फर्स्ट कार्ड, जो भी परिस्थिति है वो बदलेगी ज़रूर, एंड जैसे कि कहा गया है जो भी आपकी दुख तकलीफें हैं उनको आप लोग इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, एंड जो अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दीजिए, ज़्यादा उस चीज़ के उस थॉट को फीड कीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को ज़िंदगी में खींचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट और वो इनएविटेबल है, बदलाव आना ही आना है। और उसके सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि रात के बाद दिन आती ही है, आप कितना भी कोशिश कर ले रात के बाद रात तो नहीं आती, दिन ही आती है और दिन के बाद भी रात आना ही है। सो हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए एंड चेंज के लिए हमेशा रेडी रहिए। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इन टू नॉलेज बाई प्रैक्टिसिंग वॉट यू हैव लर्नड, दिस इज योर कार्ड। ओके सो मैसेज सिंपल है, होली बुक्स पढ़िए, और होली बुक्स पढ़िए मतलब सिर्फ कोई कॉमिक या स्टोरी बुक की तरह मत पढ़िएगा। अगर आपको कोई नॉलेज मिल रहा है होली बुक से, होली बुक पढ़ के अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो दिनचर्या है उसमें इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, उन सारे सीख पर अमल करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके वो रीडिंग सक्सेसफुल होता है। एंड रिगार्डिंग होली बुक्स, अगर आप बाबा के डिवोटी है तो फिर अगर आपके पास सच्चरिता है तो ऑलरेडी फिर वो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास सच्चरिता नहीं है तो फिर आप अमेज़ॉन में सर्च कर सकते हैं, शायद आपको मिल जाए, क्योंकि अभी शिरडी जाके लेके आना तो इज़ नॉट पॉसिबल। लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद ऑन रिक्वेस्ट मैंने मेरी जो सच्चरिता है जो मैं पाठ करती हूँ वो मैंने दिखाया था, आप लोग चाहो तो वो भी जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने शिरडी से लिया था, तो आप लोग अमेज़ॉन में सर्च कर सकते हैं, शायद आपको उधर मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी रिलीजियस बुक, कोई भी स्पिरिचुअल बुक, कोई भी होली बुक जो दूसरे डेटीज़ को रिलेट करते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ड्रॉन फील करते हैं तो प्लीज़ पढ़िए, बट मेक श्योर कि सिर्फ मेयर रीडिंग ना रह जाए, उसके ऊपर अमल ज़रूर करिए। सो वी आर डन विद ऑल द थ्री पाइल ऑफ कार्ड्स, एंड इसके आगे आप लोगों को पता है क्या करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर आप लोग रिलेट कर पाए, रेजोनेट कर पाए रीडिंग के साथ, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए, कमेंट कीजिए कितना आप लोगों को अच्छा लगा, कितना आप लोग रेजोनेट कर पाए, कितना आप लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि कमेंट इज़ द थिंग दैट कीप्स मी गोइंग, बूस्ट मिलती है मुझको। मैं मेरे पूरे दिन के जो काम रहती है, जो भी मेरी बिजी स्केड्यूल्स रहती है, उसमें से मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर मुझको वो बूस्ट मिलती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड अगर जो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे चल के जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक स्पेल, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, वो आपसे मिस ना हो। एंड एवरी थर्सडे जब मैं बाबा की टेक ओपन करती हूँ वो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ठीक लगे तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि वो गुंजाइश ही रहना चाहे आपसे मेरी वीडियोज़ मिस होने की। नाउ अगर कार्ड रीडिंग के अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, वाइट मैजिक स्पेल्स और हीलिंग, प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, अगर कार्ड रीडिंग के अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ उसके बारे में भी आप लोग बेझिझक लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ बहुत पर्सनल है विच यू डोंट फील लाइक पुटिंग इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म और इन द कमेंट सेक्शन, देन प्लीज़ फील फ्री टू इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आपको इंस्टाग्राम में भी मिल जाऊँगी, मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो, उसकी जो डिटेल्स है वो आप लोगों को मेरी वीडियो में मिल जाते हैं। और अगर कोई सजेशन है मेरे लिए, कुछ एडवाइस आप लोग रखना चाहते हैं तो बेझिझक वो भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, एंड आई ज़ीनिया प्रॉमिस टू कम बैक सून विद मोर यूजफुल टिप्स एंड वीडियोस रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, कार्ड रीडिंग, वाइट मैजिक। और हर थर्सडे को तो मैं हाजिर रहती ही हूँ बाबा की डेक लेकर के। Till then you guys, stay safe, stay happy, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।